कि जन्मा ना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्मा ना सिख ईसाई, जन्मा है मानव धरती पर। अरे मानव बन मेरे भाई, मानव बन मेरे भाई। अपने धर्म का पालन दिल में, दूजे का दिल में सम्मान, यह पांच तत्व का तन सेवा में, मेरी भारत माँ है महान, मेरी भारत माँ है महान। ओ, झुककर नमन करें उन्हें जिनके हिस्से में जो मुकाम आता है, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून बदन के काम आता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो सफर है नंगे पांव चल रहे हैं। माता रानी, मेरा ईश्वर वाहेगुरु अल्लाह आपको खुश रखे और ऐसे ही आप आगे यात्राएं करते रहे। दुश्मन थर थर देख के कांपे, साहस करे ना आंख उठाने की, भूल से कोई यह भी ना कहते, अभी जा बैठ अभी तू बच्चा है, भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है। 4700 किलोमीटर की पैदल यात्रा चल चुकी है, अभी ये यहाँ से कन्याकुमारी के लिए निकलते हैं। आग लगी आकाश में जल जल गले अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। भारत माता की भारत माता की जय। वीरों की जननी, जय कर्मे की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। अमर सांग पहचान हो माँ तुम्हारी, ये बलिदान कर जाएं हम तन बन पुजारी। गंगा और यमुना में सरयू के जैसे, चले संग नामों तुम्हारे हमारा। जय वीरों की जननी, जय कर्मों की धारा। है मेरे वतन के लोगो, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ओम नमो नारायण, जय माता दी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर सपूतों की जय, अमर शहीदों की जय। वीर सपूतों की जय, अमर शहीदों की जय। भारत माँ के पुत्रों की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्र के कार्य को देखते हुए देशभक्त वैष्णोगा से उपकरण का नाम दिया हुआ है। वहां से 25 मार्च 2022 से लगातार हमारी यात्रा चली, जो ये सब रकम मेगा, ये पावन पवित्र जो हमारी मातृभूमि है, उसके लिए जिन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत से उस आतंक से आज़ादी दिलाए हुए, उन सही कुर्बान वीर बलिदानियों ने जो आज़ादी दिलाई हम सबको, जब करोड़ों सैकड़ों लोगों ने किया अपने जीवन का बलिदान, तब जाके हम सब लोगों को मिला यह जीवन दान। उनकी याद और आज सरहद पर खड़ी हुई जो हमारी जल थलवायु टीमों सेनाएं हैं, उनके लिए निकला हुआ हूँ कि जब 24 घंटे वह तत्पर रहकर जागा गर्मी धूप बारिश में हर प्रकार की मुसीबत तकलीफों को सहते हुए वहाँ हमें सुरक्षा देती हैं। एक देवी देवता की हम पूजा करते हैं बगले में, वह भी हमें कुछ ना कुछ देता है, कगत की सुख की कामनाएं देता है। और जो 24 घंटे हमें सेवा दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, चैन की रोटी खा के हम सुख शांति से सो जाते हैं, कभी क्या उनके बारे में हम सोचते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ सहते हैं। यह मेरी यात्रा एक ही नहीं है, भाई साहब आपने बहुत ही अपना कीमती समय निकाल कर इस राष्ट्र हित के कार्य में, ये सभी भाइयों ने, और जहाँ जहाँ तक ये राष्ट्र हित के कार्य जा रहे हैं, जो जो लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें, मातृभूमि के प्यार में तत्पर हैं, सहयोग सेना के सम्मान में एकता अखंड का राष्ट्र के लिए चल रहे हैं, उन सबको मेरा बार बार नमन है। यह मेरी यात्रा एक बार पुनः 2008 से लेकर 2009 तक हुई, यहाँ पे आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट में धमाके इलाके में सुखाई भाती श्री माता वैष्णो देवी के पहाड़ियों के पीछे सुशक्ति गुफा है, जहाँ 2009 से लेकर 2017 तक रहे। फिर वहाँ माँ भक्ति का सिम गंपा से मैया को राष्ट्र के हित में कल्याण में माँ की प्रतिमा को लेके चले, जन जन तक आवाहन पहुँचाते रहे। यहाँ 10 वर्ष तक हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट के सुखाई भाती में रहना हुआ, फिर पुनः वापस जाकर 4 साल के बाद फिर दोबारा से ये यात्रा लेके चले हुए हैं। आपके फतेहपुर से चंडीगढ़ कालका देवी ज्वाला जी हिमाचल होते हुए बसोगी बागे पार करके 6 नवंबर को 30 नवंबर आपके श्री चंडी मछली माता के दरबार में पहुँचे, वहाँ भी तिरंगा महाशक्ति ध्वजा को चढ़ाया, राष्ट्र के हित में और सैनिक भाइयों की सुरक्षा सलामती की दैवीय शक्ति उनको मिले, ये हम पूजन करके अब पुनः
श्री माता कालिका देवी को बागम बात चंगो मेगा बागम बात नाम है, जहां आज हम सभी लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम यही कामना करते हैं कि हे माँ, हे चंगे चामुंगे, आपकी सगयो कृपा हमारे वो सैनिक वीर बलिदानियों पर बनी रहे, आपकी सगयो छाया बनी रहे, जिनकी बदौलत हम सभी सुख चैन के सांसें लेते हैं यहाँ से श्री माता वैष्णो देवी होके हमें पुनः वही कन्याकुमारी की ओर जाना है जो प्रथम बार हमने 3 साल 6 महीने 19 दिन की 2009 में यात्रा किया था। यासी आपका जो यहाँ की वीरता और पावन भूमि, भाइयों के दिल में इतना देश के हित में प्रेम, इतनी अंदर से ममता भरी हुई खाए चलिए वो सरहद की सीमाएं खड़े होने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता, परंतु जो उनके लिए खड़े हैं हम सब के लिए उनके दिल में प्यार हो तो ये को पहले हमें बहुत ही देखने को मिला। हम बार बार सराहना करते हैं यहाँ सभी अपने भाइयों का, नाम से को हम बहुत ही कम पक्षित हैं, परंतु इन सभी लोगों का हमारा बारम्बार धन्यवाद है कि हमको उस सारम सारा गंगा ने कुछ नहीं बनाया है, मात्र एक मानव बनाया है और हम जो जातियों में बकते जा रहे हैं उनको एक रास्ते से निकाल कर एक कोने में रख दिया जाए। हमको लेकर चलना है तो मात्र एक चीज़ को लेकर चलना है कि जन्मा ना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्मा ना सिख ईसाई, जन्मा है मानव धरती पर, अरे बांग मानव बन मेरे भाई, मानव बन मेरे भाई, अपने धर्म का पालन दिल में, दूजे का दिल में सम्मान, यह 5 तत्व का तन सेवा में, मेरी भारत माँ है महान, मेरी भारत माँ है महान। और हम ऐसे बने मातृभूमि के लिए कि मरना है तो मरो राष्ट्र हित, मरना है तो मरो राष्ट्र हित, ऐसे मरने में क्या रखा है, ये भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। तैयार रखो स्वयं को हर पल राष्ट्र के हित में कदम बढ़ाने की, और दुश्मन थर थर देख के कांपे, दुश्मन हमारे कौन हैं जो मानवता को नहीं मानते, जो हैवानियत में चलते हैं, जो इंसानियत के नहीं हैं, वो हमारे सगे दुश्मन हैं, चाहे वो घर के हों चाहे वो बाहरी हों, कि दुश्मन थर थर देख के कांपे, साहस करे ना आँख उठाने की, भूल से कोई यह भी ना कह दे, अरे जा बैठ अभी तू बच्चा है, भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। जय वीरों की जननी, जय कर्मे की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा, अमर सांग पहचान हो माँ तुम्हारी, ये बलिदान कर जाएं हम तन बन पुजारी, गंगा और यमुना में सरयू के जैसे चले संग नामो तुम्हारे हमारा। जय वीरों की जननी, जय कर्मे की धारा, हमारे वो वीर बलिदानियों पे माँ भगवती सगयो आत्मा की उनको शांति मिलकर वो पुनः आज उनकी एकता अखंडता को हमें संजोना है, उनके दिए हुए बलिदान को, उनके किए हुए शहादत की उनकी कुर्बानियों को हमें अपने बच्चे बच्चों तक जन जन तक पहुंचाना है। और आज मैं तो एक कृषक की भांति, जैसे एक किसान चलता है एक बीज फेंकता है, मेरे सभी पत्रकार भाई बंधुओं का बागम बार नमस्कार, मीडिया चैनल प्रभागियों का, सभी संपादकों का, इसमें जो गाज के हित में अपना तत्पर होकर सहयोग कर रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए, भारत माता की जय। मैं अभी सल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ऐसे लोगों को और उन वीर अमर वीर शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के लिए मतलब अपनी जाने गवा दी, उनके परिवार को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम है, राजू विजयपुरिया की तरफ से प्रणाम। ऐसे जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके लिए इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, आपका रियासी में वेलकम है। जय हिंद, जय माता रानी, मेरा ईश्वर वाहेगुरु अल्लाह आपको खुश रखे और ऐसे ही आप आगे यात्राएं करते रहें। जय माता दी, इनके चरणों में नमन करते हैं कि जो हमारे देश के देशभक्तों के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो सफ़र है नंगे पांव चल रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं माँ आदि शक्ति जगत जननी से कि इन्हें वो शक्ति दे कि नंगे पांव चलना इस कड़ाके की ठंड में, और इन्होंने इतना कुछ डाला भी नहीं है कि मेरे ख्याल से कि इनकी जो पैरों की सर्दी है वो निकल सके, लेकिन हम कामना करते हैं माता रानी से कि वो इन्हें शक्ति प्रदान करे इस तरह के कार्यों में, इनका इनके साथ वो खुद साथ साथ चलकर इनके जो कार्य है वो संपन्न कराए। जय हिंद, जय भारत। ये त्याग की मूर्ति है और इनको मैं नमन करता हूँ। जिस तरह से इन्होंने अपना ये जो मतलब सुनहरी अवसर होता है, एक जो समय होता है, वो इन्होंने देश धर्म और समाज के लिए, और सबसे बड़ी बात यह कि शहीदों के नाम पूरे देश में, ये जो एक नई जनरेशन को, नई युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं, मैं इनको एक संत ही समझता हूँ। कि कहते हैं कि आग लगी आकाश में, जल जल गले अंगार,
संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। और मैं आज रियासी में इनका जो आगमन हुआ है, मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नंगे पाँव, और बाकिया जैसे जी ने इन्होंने कहा कि इतनी सर्दी है उसके बावजूद ये बिल्कुल साधारण सा लिबास डालकर और अपनी जो सुख सुविधा को त्याग कर ये समाज को जो जागृत कर रहे हैं, नमन करते हैं। और शहीदों के नाम मैं आओ झुककर नमन करें उन्हें जिनके हिस्से में जो मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून बदन के काम आता है। मैं इन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। सब प्रथम रियासी वासियों को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय शंकर। ये संत जी आपको यहाँ पर भी मिले, मेरा सभी सनातनियों से आग्रह है। ये 4700 किलोमीटर की पैदल यात्रा चल चुके हैं, अभी ये यहाँ से कन्याकुमारी के लिए निकल रहे हैं, तो यहाँ भी आपको मिले जो सहयोग हो सके आप संत जी का जरूर करें। संत जी जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, जो हमारे सरहद पे ड्यूटी तैनात हैं, ये उनके लिए पैदल भ्रमण कर रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जितना भी हो सके जहां पर भी ये आपको मिले, तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा इनका जो भी हो सके आप तन मन धन से सहयोग करें।